सा बच्चा है जिसका नाम है भोला। और इस भोला की खासियत ये है कि ये भोला अभी थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, आरा के ही एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और इस बच्चे की खासियत ये है, या इस बच्चे का दावा ये है कि ये लगभग 30 सालों का कैलेंडर इसे आता है। बच्चे ने अभी बताया है कि 2014 से लेकर 2030 तक का ये डेट और टाइम बता सकते हैं। तो अभी भोला हमारे साथ बैठा हुआ है और ये छोटा सा बच्चा है, देखने में बिल्कुल मासूम है, थर्ड क्लास में पढ़ता है। बाकी इस बच्चे से ही पूछते हैं, क्या नाम है आपका? भोला। भोला नाम, पूरा नाम बताओ। आरुषना। हाँ आरुषना। आरुष और नौ। चलिए, ये आपका नाम। आरा के ही आप किस स्कूल में? केबीसी। केबीसी का पूरा नाम क्या है? केबीसी का पूरा नाम कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा, ये स्कूल का ही नाम है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आप 30 साल का या 40 साल का कैलेंडर आपको पता है? आपको कैसे पता चला, कब पता चला था, क्या किया था इसके लिए आप? हम आपसे क्लू नहीं पूछेंगे कि कैसे पता, ये आपकी पर्सनल चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाता है, तो आप उसको बना के रखो। आपको कब पता चला कि ये मतलब ऐसे किया जा सकता है? तो ये आपको पहली बार कब पता चला था कि इतने सारे कैलेंडर्स आपको याद हैं, इतना डेट टाइम याद है आपको, कब पता चला था? नहीं पता है, चलो ठीक है, सीधे हम सवाल पे आते हैं। तो जैसे मैं आपसे कुछ वो पूछूंगा, डेट पूछूंगा, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ईयर्स का, आप बताना उसका डे कौन सा हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2024 में मार्च का फर्स्ट डे कौन सा होगा, कौन सा दिन? फ्राइडे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। मोबाइल हमारे सामने है, मैं इस पर देख पा रहा हूँ, मैं इस बच्चे से पूछ रहा हूँ अभी, बिल्कुल सही बताया इसने, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, जून 2024 में फर्स्ट डे कौन सा होगा? सैटरडे। अभी इनके बड़े भाई थे सक्षम, सक्षम अभी क्लास 10th में, बीडी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने सबसे पहले मतलब भोला की अगर हम टैलेंट की बात करें तो उनको पता चला था 2020 में, बताया ना आपने 20 में, यानी कि अभी से लगभग 3 साल पहले। अभी ये थर्ड क्लास में है, तो शायद उस समय फर्स्ट क्लास में से शुरुआत हो गई थी, फर्स्ट क्लास में था बच्चा ये, और ये फर्स्ट क्लास में था, और फर्स्ट क्लास से ही, यानी कि जब ये शुरुआती दौर में मतलब हम कह सकते हैं कि भोला था जब, ना कभी स्कूल गया था ना कभी कोई ट्यूशन लिया था इसने, तब से इस बच्चे को डेट और डे की समझ आ गई। तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। कैसा लगता है आपको भोला, जब सारे लोग आपसे पूछते हैं इस तरह से डेट टाइम आप बताते हैं, कैसा फील होता है आपको? अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको, कौन सा गेम खेलते हो आप, कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है? क्रिकेट खेलने जाते हो, कहाँ जाते हो खेलने? तो घर पे खेलते, मैंने सुना आप बाहर भी जाते हो, रमना मैदान भी जाते हो, जाते हो रमना मैदान खेलने के लिए? हाँ, रमना मैदान में क्या खेलते हो? अच्छा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, जैसे कोई पेंटिंग, गाना वाना गाते हो आप? अरे वाह, गाओ जरा से, गा दो, गा दो एक लाइन। नहीं गाओगे? पढ़ाई में मन लगता है आपको? ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आपके पास। अब लास्ट में आपसे एक दो सवाल और पूछे हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। बताइए जरा सा, अगर हम फरवरी 2029 की बात करें, 2029 बता दोगे? ठीक, तो फरवरी 2029 की अगर हम बात करें तो 28 कौन से किस डे को होगा? फरवरी में आते हैं तो 2026 फरवरी में का जो लास्ट डेट होगा 28 होगा, वो कौन सा दिन पड़ेगा उसमें? 2026 में फरवरी, फरवरी का लास्ट जो आखिरी डेट होगा वो कौन सा दिन? सैटरडे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, शानदार जवाब दे रहे हो आप। तो चलिए आपसे और अभी पूछ लेते हैं,
अच्छा मई 2026 से। अगर हम बात करें 14th मई को कौन सा डे होगा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। आप पीछे रख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अभी मेरे सामने कैलेंडर है 2027, अक्टूबर 2027 का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्टूबर 2027 का आखिरी जो डेट होगा वो किस दिन हुआ है? किस दिन अक्टूबर 2027 का आखिरी किस डेट को आएगा? कौन सा मतलब डेट होगा उसमें आखिरी, और किस डेट को आएगा? मतलब 31 तो आएगा, ठीक मान लेते हैं अक्टूबर 2027 और अक्टूबर 31 31 तारीख किस दिन को होगा? वेरी गुड, संडे, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और आपसे एक और सवाल पूछते हैं फिर। अप्रैल 2028 की बात करते हैं, ठीक है। अप्रैल 2028 में, अप्रैल में 26 अप्रैल का कौन सा दिन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार टैलेंट है आप में। और बिल्कुल अभी तक हमने जितने सारे सवाल पूछे हैं आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अभी आपसे और आगे बात करेंगे, थोड़ा आसपास और भी हमारे कई लोग से जरा पूछते हैं। आपके भाई है ना सक्षम, सक्षम इधर आ जाओ जरा सा, भैया को जगह तो आप उधर बैठ जाओ, थोड़ा सा भैया से पूछते हैं जरा सा, आ जाओ सक्षम, बैठो। सक्षम कैसा लग रहा है आपका भाई, इतना टैलेंटेड है, इतनी सारी चीज़ें जानते हैं? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब इसने बताया था, और वो भी मैंने ऐसे ही पूछ लिया था एक दिन, एक मई को कौन सा दिन है, तो इसने बताया, फिर मैं धीरे धीरे पूछते गए और ये बताते गए, तब हमको लगा आज का कुछ टैलेंट है। और ये ऐसा प्राउड मोमेंट होता है जब इस सबके साथ। आपको कब पहली बार कब लगा था ऐसा कि मतलब डेट टाइम का इसके पास इतनी बड़ी वो है, खजाना है, तुरंत बता देते? एक दिन जैसे नवंबर 2022 में एक दिन मैंने इससे पूछा कि मेरा बर्थडे है 24 मई का, तो मैंने पूछा कि 24 मई को कौन सा दिन हो सकता है, तो वो दिन वो एग्जैक्ट बता दिया। तो हम पूछे कैसे गया था, तो पता नहीं रहा था, तो फिर धीरे 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 पूछते गए बताते। यानी कि 2020 की बात कर रहे हो ना? हाँ, 2020, ये 2023 चल रहा है, लगभग 3 साल पहले की बात है। तो 3 साल पहले तो इसकी एज और भी छोटा रहा होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में होगा शायद उस टाइम पे। तो वो उस समय मतलब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर रहा होगा, कोई ट्यूशन कोई स्कूल भी नहीं रहा होगा इसके साथ, तो उस टाइम पे भी मतलब सब कुछ सही डेट टाइम सब बता देता था ये। हाँ, मतलब कि कैलेंडर देखता रहता था एक साल का, लेकिन बताती है कि पूछ लेते और बता दिया। गुड, चलिए ठीक है, बंद कर, पीछे से ही। हाँ ठीक है, इनके बड़े भाई करेंगे थोड़ा सा, 2023 में ही बैक चले जाते हैं। चलिए 2022 से सवाल पूछते हैं, या 2021 से पूछते हैं। दिसंबर 2021 का आखिरी जो डेट था 31st, यानी कि 31 तारीख किस दिन को था? किस दिन को था दिसंबर 2021? 31 तारीख किस दिन को? फ्राइडे। वेरी गुड, बिल्कुल फ्राइडे को था। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, नवंबर 2021 में आते हैं, नवंबर 2021 में 2 तारीख किस दिन को? वेरी गुड, बहुत। चलिए ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस, और आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा लगा।